नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा उत्तर पश्चिमी जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे राकेश बैनीवाल जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और अभी हाल ही में मंत्री नियुक्त हुए हैं एससी मोर्चा जिला उत्तर पश्चिमी से। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। नमस्कार भाई साहब जी। सबसे पहले आप अपनी पूरी टीम में क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? अभी आपको पार्टी ने भी जिम्मेदारी जो दी है एससी मोर्चा में मंत्री बनाया सर। मैं अपना बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ और अपना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपने साथ के अपने भाइयों को जी। और कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी जो है अपनी भाजपा है, एक परिवार है, हम इसमें एक परिवार की तरह काम करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे और नए नए कार्यकर्ता जोड़ते रहेंगे जी। जैसे आपको अभी जिले में जिम्मेदारी दिया सर, इससे पहले किस जिम्मेदारी पर थे पार्टी की? मैं इससे पहले जो है अपना जिले में ही था, जिले में उपाध्यक्ष था एससी मोर्चे के अंदर। पूर्व में मैंने काम करा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में। हाँ, तो वैसे कितना समय होगा आपको भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए? भारतीय जनता पार्टी में लगभग मेरे को 3 साल हुए हैं। 3 साल हो चुके हैं आपको? हाँ जी। तो मतलब आपने समाज को लेके आप जैसे आगे किस तरह काम करना चाहते हैं, किस तरह लोगों को आप जागरूक करना चाह रहे हैं समाज में? मैं समाज में जिस तरीके से पार्टी ने मेरे को अपना मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है, उसी के आधार पर मैं काम करते हुए भाई अपने मोर्चे के जो भी एससी समाज के भाई हैं जिन्हें दला और कुचला लोग समझा जाता है, उनके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम काम करूँगा और उनको जागरूक करूंगा इस आधार पे कि भाई वो आगे आएं और अपनी बात कह सकें। एक मंच बीजेपी ही सरकार है जो दलित की सुनती है और दलित के लिए काम करती है। 2024 की सर क्या प्लानिंग चल रही है? 2024 में तो कोई है ही नहीं जी प्लानिंग, मोदी जी हैं। चार सौ से पार जो हमने काम करा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है लोगों के लिए, सभी समाज के लिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो कह के हमने नारे के साथ काम करा है जी, उसी पे काम करते हुए हम 400 के पार जाएंगे। सर आप जैसे और भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद से भी आप कई समय से जुड़े हुए हैं सर, तो आपके थोड़ा जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखो मैं बाल्यकाल से जो है बजरंग दल में रहा हूँ और बजरंग दल में मैंने काम करा जी सर। बजरंग दल में काम करते करते भाई हिंदू धर्म के लिए काम करा और लोगों के लिए भी काम करा, लेकिन जब ये अपना 2015-16 के अंदर नोटबंदी हुई थी तो उसमें हमने देखा कि लोग अपना जो है किस तरीके से परेशान हैं। हमने सबसे पहला मेरा राजनीतिक कार्यक्रम रहा था कि भाई हमने एक साथ इकट्ठे होके जब लोग लाइनों में जो लगे हुए थे परेशान थे, जो कि कार्य बहुत अच्छा कार्य हुआ था नोटबंदी का, लेकिन उसमें जिस जब किसी हवन कुंड के अंदर आहुतियाँ दी जाती हैं उस तरीके से थोड़ी बहुत आहुतियाँ दी गई थी। हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि भाई लोग परेशान नहीं हुए थे, लोग परेशान हुए थे, तो हमने वो जो लोग लाइनों में लग रहे थे जो परेशान थे उनको खुले पैसे की व्यवस्था कराई, चाय वितरण का कार्यक्रम रहा, पानी वितरण का कार्यक्रम रहा। मैं उस प्लेटफॉर्म से बीजेपी की तरफ थोड़ा थोड़ा झुका हुआ मेरा। ओके। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं जो है बजरंग दल में गौरक्षक में भी रहा। अच्छा, गौरक्षक में? हाँ, गोक्रांति मंच पर भी रहा। फिर मैं 2017-18 के अंदर अपना जिला अध्यक्ष रहा। ओके। इसमें धर्म प्रसार के अंदर, तो इस तरीके से धीरे धीरे जब अपनी बीजेपी की तरफ झुका हुआ देखा कि हाँ राजनीति के जरिए भी लोगों को बदला जा सकता है, उस आधार के ऊपर हमने काम करा। आगे वैसे टीमवर्क जो आपकी बनी है, अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, महामंत्री बने, तो किस तरह आगे काम करेगी टीमवर्क का? देखिए इस टाइम हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं मुकेश कादियान जी, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। जिस तरीके का वो भाई आगे निर्देश होगा पार्टी का, उस हिसाब से काम करेंगे। शुरुआत हुई सर बैठक? हाँ, अभी 2-3 बैठकें हुई हैं और कल जो है 7 तारीख का हमारा सम्मेलन भी आगरा के अंदर। हाँ, उधर हमने जाना है, अपनी टीम को पूरी को लेके जाएंगे और जो हमारे कार्यकर्ता हैं मोर्चे के वो लोग जाएंगे। ओके, तो सभी मोर्चे जा रहे हैं आपके? खाली नहीं, अभी एससी मोर्चे का सम्मेलन है। हाँ जी। तो आप जैसे अभी बादली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपका, जो जहांगीरपुरी क्षेत्र है सर, क्या क्या समस्या है मतलब इन क्षेत्र? इसमें देखिए जी, पिछले कई वर्षों से ना तो इसमें हमारा MLA रहा और काउंसलर की भी सीटें नहीं रही हैं, काउंसलर नहीं थे इसमें हमारे। समस्या तो अभी बहुत हैं। अच्छा। समस्या यहाँ पे बहुत हैं, आए दिन आपने देखा होगा अभी दंगा भी हुआ था। दंगा? हाँ, वो कमज़ोर सरकार का नतीजा था, जो दिल्ली के अंदर कमज़ोर सरकार थी वो दंगा उसका परिणाम स्वरूप था। और ऐसी समस्या पानी की भी है। मैं कहूँगा अपने भाई स्टार सिटी वालों से एक बार थोड़ा शहर का भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गंद का ढेर लगा हुआ है। लोग कहते थे कि भाई ये कूड़े के ढेर से मुक्त बनाएंगे दिल्ली को, दिल्ली को क्या, हमारे एक शहर को भी कूड़े से मुक्त नहीं कर पाए। नालियाँ उल्टी बह रही हैं जबकि नालियाँ सीधी बहनी चाहिए। ओके। और साफ सफाई होती नहीं है। मौजूदा विधायक जी की कोई भूमिका नहीं सर क्षेत्र की? मैंने तो शायद जी 10 साल
के लगभग हो गए हैं, 8 साल तो हो ही गए हैं जी। मैंने तो विधायक जी को एक बार प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, मगर 25 साल से आपकी सरकार नहीं बन पाई राकेश जी। देखो जी, सरकार नहीं बन पाई, ये वनवास है हमारा जी, वनवास है बिल्कुल काफी लंबा, ये हमारा वनवास है। जैसे रामचंद्र जी का वनवास 500 साल का जो वनवास टूटा है, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ कि ये वनवास भी इस वर्ष टूट जाएगा, अब इस बार टूट जाएगा। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर जनता में, महाशिवरात्रि भी आ रही तो? हाँ जी, पहले तो मैं भाई अपनी पूरी जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भोले बाबा जी का दिन आ रहा है, शिवरात्रि आ रही है। वो इस शिवरात्रि का पर्व बनाने के बाद में जैसे भी लोकसभा का इलेक्शन होगा तो बाबा का आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल, तो इसमें जनता को ये कहना चाहूँगा अपना फ्री के बादों पर ना जाए। बिल्कुल, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में जो कुछ मिलता है वो आपने देख लिया है, दिल्ली की जनता को 7-8 सालों के अंदर क्या मिला है। और आपस में लड़वाने का काम ये सरकार करती है, दारू फ्री बांटने का काम करती है, जो आप लोगों के सामने कुछ बताने की इसमें वो है ही नहीं कि लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली कोरोना में भी रही, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के अंदर में। दिल्ली सरकार के अंदर देखो ना, इनके मंत्रियों ने किस तरीके से ऑक्सीजन की ब्लैक करी है, तो ये दिल्ली सरकार का काम रहा है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैं तो कहता हूँ इनको अपना जो एक पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप के रूप में अपना सीट से इस्तीफा दें। जिस तरीके से इनके शराब नीति के अंदर इनके मंत्री लोग बंद हैं, इनके दंगों के अंदर इनके निगम पार्षद बंद हैं, इन्हें इस्तीफा देके अपने इस पाप का पश्चाताप करना चाहिए। तो ये हमारी सीधी बात राकेश बैनीवाल जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।